हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल डी एस फास्ट ब्लॉग में। फिर आज हम एक नया वीडियो लेकर के, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, मैं यूट्यूब पर क्यों आया, मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ, कैसे अपने बारे में सब कुछ बताया था। उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप अलीगढ़ कभी आते हैं घूमने तो ई रिक्शा में 10 रुपये में कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय कर सकते हैं, कितनी दूर तक आपको 10 रुपये में ई रिक्शा वाले घुमाते हैं और या ऑटो वाले। मात्र आपको नोकल चक्कर का 10 रुपये देना होता है अलीगढ़ के अंदर, ई रिक्शा में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए आप आज के वीडियो में ई रिक्शा से बैठकर ब्लॉगिंग कर रहा हूं। मैं आपको नुमाइश मैदान से मेलुद बाईपास दिखाते हुए, आपको रघुनाथ दिखाते हुए, टाइगर लॉक दिखाते हुए, ये सभी दिखाता हुआ आपको मैं सूतमी चौराहे से बाईपास की तरफ जाऊँगा 10 रुपये में मात्र। और वैसे आपको बता दें दोस्तों, मुझे तो इस रूट पे जाना था, आपको हम गोल चक्कर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, पुराने बस अड्डे तक 10 रुपये लगते हैं। यानी कि नोकल चक्कर आपका सूतमिल चौराहे से लेकर दोस्तों रेलवे स्टेशन तक का लगता है। यानी कि तो उससे भी थोड़ा सा आगे जा सकते हैं आप, पुराने बस अड्डा बोलते हैं रेलवे स्टेशन से आगे है, तो जहाँ से लेकर यहाँ तक का रूट आप तय करते हैं ई रिक्शा में बैठ करके, तो आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। बीच में कहीं भी उतर जाते हैं तो भी 10 लेंगे, पूरे रूट पर जाते हैं तो भी आपसे 10 लिए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में पड़ने वाले मैं आपको बता दूँ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, टाइगर लॉक बोलते हैं, मेल लॉज बाईपास, सूतमिल चौराहे से आगे नादा चौराया, ये सब आपको एक ही रूट पे पड़ते हैं। ये देख रहे हैं, ये है एक चुअरपुर मेन लॉज पर गाड़ी हमारी रुकी हुई है, ई रिक्शा रुका हुआ है, ई रिक्शा से बैठ के आपको मेन लॉज जाने का रास्ता ये है। ये भैया उतरे हैं मेन लॉज बाईपास और यहाँ से अब मेन लॉज फैक्ट्री है बराबर वाली, ये यहाँ पर मेन लॉज एक फैक्ट्री थी, अब ये गेस्ट हाउस बन चुका है दोस्तों, काफ़ी फेमस था मेन लॉज फैक्ट्री, और उसी वजह से यहाँ पर अब ये मेन लॉज इसका नाम रखा गया है और अब यहाँ से फैक्ट्री बंद होकर गेस्ट हाउस हो गया है। ये देख रहे हैं आप, जहाँ से है मेन लॉज बाईपास जाने का रास्ता जो देख रहे हैं आप, और यह है टाइगर लॉक दोस्तों, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी अलीगढ़ की, जो है ताले बनते थे, काफ़ी फेमस ताले थे टाइगर लॉक, बंद होने के बाद में अब उसका गेस्ट हाउस बना दिया गया है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको मिलता है दोस्तों टाइगर लॉक से आगे रघुनाथ पैलेस गेस्ट हाउस, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, नया बना है अभी, काफ़ी पुराना नहीं है। और रघुनाथ के सामने आपको मिलते हैं दोस्तों कारों के गैरेज, जो कार श्रृंगार, कार एसी, कार का कोई भी काम आप बहुत ही अच्छा करा सकते हैं, कंपनियों से बाहर कराते हैं, तो दोस्तों आपको यहीं इसी मार्केट में आना होता है। इसके बारे में मैंने पूरा अच्छा से समझाया है और गाड़ी मार्केट के बारे में बताया है, ये वीडियो आप स्पेशली मेरे वीडियो पर देख सकते, चैनल पर देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पड़ता है ITO ऑफिस, यानी कि गाड़ियों की कागजात के काम होते हैं यहाँ पर ITO ऑफिस के, जो कि लाइसेंस बनाए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, गाड़ी की RC वगैरह होता है, ये सब कुछ होता है ITO ऑफिस। और उसके बाद पता है इंग्राम स्कूल, ये देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड पर, उसके बाद में राम प्यारी जीवन ज्योति हॉस्पिटल काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, आपने सुना होगा उसका वीडियो मैंने बनाया है जीवन ज्योति हॉस्पिटल का, इनकी 2 शाखाएँ हैं। जी आ चुका है दोस्तों रेलवे बस स्टैंड, सॉरी बस अड्डा सूतमी चौराहे पर, नए बस अड्डा बना है वो वाला बस अड्डा है, ये गोल चक्कर सूतमी चौराहे का आ चुका है। और यहाँ पर एक मॉल बनाया जा रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी दिनों से सालों से यहाँ काम चल रहा है दोस्तों, और अब वो कंप्लीट होने वाला है, उसका वीडियो मैं बना करके दिखाऊंगा। वो वीडियो देखना है आपके लिए, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कल फिर मिलेंगे।